नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों आज हम आपको पैरों में दर्द, पैरों में ऐठन, थकान और पैरों में मोच आदि जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों पैर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारे संपूर्ण शरीर का भार हमारे पैर उठाते हैं। अगर किसी कारणवश हमारे पैरों में मोच आ जाए या ऐठन या दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों पैरों में दर्द, ऐठन या मोच आने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद आपने अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करना है। दोस्तों यह बटरफ्लाई पोज एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से पैरों में दर्द और थकान की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसे आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप इसे ऐसे ही तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे कागासन की पोजीशन पर ऐसे कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर इसके बाद आपने अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। या अपने पैरों में अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि आपके शरीर का बैलेंस बना रहे। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे घुटनों के पास रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों का स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इसी पोजिशन पर रहे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारी एड़ी, हमारी घुटनों, हमारे थाई मसल्स, काप मसल्स की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। दोस्तों अगर आपका शरीर भारी है, आप काफी मोटे हो और इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अभ्यास को ऐसे कागासन की पोजीशन पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों की हर एक नस पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास हमारे थाई मसल्स, काप मसल्स, हमारे हिप्स के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्क्वाट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने पंजों के बल ऐसे बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। फिर आपने अपने दोनों हाथों को, अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रखते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और सीधे देखते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ले आते हैं और इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे
राइट पैर के पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं, पंजे के बल आपने ऐसे बैठ जाना है, एड़ी ऊपर की तरफ रहेगी और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऐसे ऊपर को उठा लीजिए, फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे पैरों की हर एक नस पर प्रभावशाली प्रभाव छोड़ता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम करेंगे जानू शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे सटा लेते हैं। अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे टर्न करते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपकी दोनों कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला लेते हैं और उसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर आपने इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और अपने घुटने को अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह अभ्यास हमारे थाई मसल्स, हमारे काफ मसल्स की मजबूती के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और धीरे धीरे जितना आप ला सकते हैं अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में या फिर आपके पैरों में एक हल्की सी नरमाहट और गर्माहट सी हो रही है और आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। जब भी आपके पैरों में दर्द, थकान, ऐठन या क्रैम्प की स्थिति बन जाए आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए।